सो गाइज, ये है Redmi Note 13 Pro Plus 5G। इस वीडियो में इस फ़ोन पर चार्जिंग टेस्ट हम करने जा रहे हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद यहाँ पर चार्जिंग टेस्ट करने जा रहे हैं। एक बार आपको जो चेक कराता हूँ कौन सा अपडेट है जो कि हमने यहाँ पर किया हुआ है। फिलहाल हमने पावर सेविंग मोड भी लगाया, जो कि हमने आई थिंक 10% पर लगाया था। तो एक बार जो आपको अपडेट चेक कराता हूँ, देन यहाँ पर हम चार्जिंग टेस्ट करने वाले हैं। जो कि सो अपडेट वर्जन जो था 1.0.12.0.UNO-INXM, जो कि यहाँ पर अप टू डेट है, हमने अपडेट कर लिया है। और भाई अपडेट हुए काफ़ी टाइम यहाँ पर हो चुका है। इस अपडेट में क्या था, बेसिक सा अपडेट था, ज़्यादा कुछ इस अपडेट में था, सिक्योरिटी पैच का ही अपडेट था। और चेक फॉर अपडेट पर अगर हम करें तो कोई अपडेट फिलहाल अवेलेबल नहीं है। और भाई ये अपडेट जस्ट सिक्योरिटी पैच का अपडेट था। तो चार्जिंग टेस्ट यहाँ पर करने जा रहे हैं। आपको पता ही होगा भाई, रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G में जो बैटरी है वो 5000 mAh की है। भाई इसके साथ जो चार्जर है ना, वो काफ़ी तगड़ा पावरफुल चार्जर है, 120 वाट का। ऐसे में 10 मिनट की चार्जिंग काफ़ी होती है, 10 मिनट में फ़ोन चार्ज इतना हो जाता है कि आप पूरा दिन भर यूज़ कर सकते हैं। बाकी देखते हैं कितने टाइम में 100% यहाँ पर फ़ोन चार्ज होने वाला। फिलहाल जो बैटरी का परसेंटेज है वो है भाई 2%, और भाई ये कभी भी ना बंद भी हो सकता है। तो थोड़ा सा करते हैं चार्ज, और लेट्स सी कितना टाइम यहाँ पर निकल कर आने वाला है। एक बार आपको अगर स्क्रीन ऑन टाइम चेक करूँ तो कितना है, फ़ोन को हमने कब चार्ज किया था वो भी देख लेते हैं फटाफट से, इससे पहले कि फ़ोन बंद हो। तो भाई फ़ोन जो एक्टिव है 213 घंटे 57 मिनट से। तो भाई इतना फ़ोन यहाँ पर जो चल चुका है, लेकिन एग्जैक्ट स्क्रीन टाइम यहाँ पर दिखाता नहीं, बट फिलहाल अभी 2% चार्ज है ना, तो इसमें दिखा रहा है कि भाई 38 मिनट अभी भी ये चल जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पावर सेविंग मोड यहाँ पर अनेबल किया हुआ है। सो फटाफट से करते हैं चार्जर कनेक्ट, और लेट्स सी कितने टाइम में ये चार्ज होने वाला है 120 के पावरफुल चार्जर से रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G। सो गाइस, फिलहाल यहाँ पर हमने चार्जर कनेक्ट कर दिया है, बट पावर अभी ऑन नहीं की चार्जर की। तो टाइमर के साथ यहाँ पर हम पावर ऑन करने वाले हैं। सो करते हैं 1 2 3 स्टार्ट, पावर ऑन कर दी, और टाइमर भी यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया है। और भाई यहाँ पर देख सकते हैं 120 वाट मैक्स यहाँ पर लिखा रहा है, क्विक चार्जिंग हालांकि ये शो कर रहा था। लेट्स सी चेक कर लेते हैं एक बार, जो बूस्ट अप मोड में या बूस्ट मोड में फ़ोन यहाँ पर चार्ज हो रहा नहीं हो रहा, बट उससे पहले यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं फ़ोन का जो फ़िलहाल टेम्परेचर कितना है। सो फ़ोन का जो टेम्परेचर है वो 27.5 डिग्री सेल्सियस के समथिंग है, वही पास वाला जो फ़ोन है उसका है 24.56 के समथिंग। तो ओवरऑल इतना टेम्परेचर है, और चार्जिंग होते होते देखते हैं कितना होने वाला है। अगर यहाँ पर हम चेक करें, बूस्टिंग चार्जिंग स्पीड 3% यहाँ पर दिखा रहा है, चार्ज जो हो रहा है फ़ोन बेसिकली बूस्ट मोड में यहाँ पर हो रहा है। फटाफट से जो चेक कर लेते हैं, सेटिंग पर चलते हैं बैटरी वाले सेक्शन पर। नाउ यहाँ पर एडिशनल फीचर्स में आ जाएँ तो स्पीड ऑफ चार्जिंग यहाँ पर शो कर रहा है, बूस्ट चार्जिंग स्पीड इसको भी यहाँ पर हमने अनेबल किया हुआ है। और देख सकते हैं फ़ोन जो फटाफट से जो 5% के समथिंग पहुँच भी चुका है। तो यहाँ पर हम करते हैं स्क्रीन को ऑफ़, और भाई हम इसको चेक करने वाले हैं 10 मिनट में ये फ़ोन कितने परसेंट यहाँ पर चार्ज होगा। सुबह 10 मिनट यहाँ पर जो कम्प्लीट हो चुके हैं चार्जिंग होते हुए, और भाई क्या लगता है फ़ोन कितना चार्ज हुआ होगा। फ़ोन यहाँ पर 56% यहाँ पर चार्ज हो चुका है, ऑलमोस्ट 50% फ़ोन यहाँ पर चार्ज हो चुका है। भाई टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, वही फ़ोन का टेम्परेचर जो पहुंच चुका है 39.6 डिग्री सेल्सियस। तो भाई टेम्परेचर तो इस वक्त पीक पर है, ऐसे में टेम्परेचर अगर और भी बढ़ेगा ना, चार्जिंग डेफिनेटली यहाँ पर स्लो होने वाली। एक बार ना अडेप्टर का टेम्परेचर भी चेक करा देता हूँ। तो भाई ये अडेप्टर है, और इसका टेम्परेचर अगर चेक करें यहाँ पर हम 40 के समथिंग, भाई अडेप्टर का टेम्परेचर है ना ऑलमोस्ट इतना ही है। ऐसे में अगर फ़ोन यहाँ पर कूल डाउन होगा टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, चार्जिंग स्लो होगी, टाइम ज़्यादा निकल कर आएगा। अगर स्टिल चार्ज होता है इसी मोड में तो फ़ोन काफ़ी फास्ट चार्ज हो जाने वाला है। तो अभी हम इसको चेक करने वाले हैं 10 मिनट बाद, यानी कि 20 मिनट कंप्लीट होने पर फ़ोन कितने परसेंट चार्ज होगा। सुबह 20 मिनट से यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, फ़ोन जो यहाँ पर चार्ज हुआ है भाई 85% चार्ज हुआ है, जो कि यहाँ पर जो थोड़ा सा स्लो हो गया है। और भाई यहाँ पर जो टेम्परेचर डेफिनेटली यहाँ पर कम हुआ होगा, जिस वजह से टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्लो चार्जिंग स्टार्ट हो गई होगी यहाँ पर। तो टेम्परेचर देख सकते हैं डाउन जा चुका है, 37.2 डिग्री सेल्सियस के समथिंग पहुँच चुका है। तो इसी बात है चार्जिंग तो यहाँ पर स्लो होनी थी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत जल्दी एकदम से हाई पहुँच गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम यहाँ पर ज़्यादा निकल कर आने वाला है। तो लेट्स सी जो बचे हुए परसेंटेज हैं कितने टाइम में यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं, तो अभी हम इसको चेक करते रहेंगे। फिलहाल जो फ़ोन चार्ज है 86% यहाँ पर चार्ज है। सुबह 25 मिनट यहाँ पर जो कंप्लीट हो चुके हैं, और फ़ोन जो यहाँ पर 99% चार्ज हो चुका है। और भाई ये कभी भी जो यहाँ पर 100% हो सकता है, तो मुझे लगता है ज़्यादा टाइम इसमें लगना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर हम फ़ोन का टेम्परेचर चेक करें, भाई फ़ोन का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो 50% तक या फिर कहीं 80% तक तो फ़ोन काफ़ी फास्ट यहाँ पर जो चार्ज हुआ है, और उसके बाद थोड़ा सा स्लो डाउन डेफिनेटली हुआ।
सो भाई फ़ोन यहाँ पर 100% चार्ज हो चुका है। सो भाई फ़ोन 100% चार्ज हो चुका है। 100% चार्ज होने में यहाँ पर जो टाइम निकला वो 27 मिनट 32 सेकंड के समथिंग यहाँ पर लगे। हालांकि फ़ोन 99% जो चार्ज हुआ था 24 मिनट कुछ सेकंड में हो चुका था, तो 25 मिनट पर हमने चेक किया था, तो 99% यहाँ पर जो चार्ज था, तो ओवरऑल टाइम यहाँ पर जो इतना निकल कर आया, तो टेम्परेचर देखो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, तो ऐसे में जो उसके बाद चार्जिंग स्लो हो जाती है क्योंकि फ़ोन का टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है। तो ओवरऑल बहुत सही टाइम ओवरऑल देखा जाए तो मतलब 25 मिनट के समथिंग मान सकते हैं। पहली बात तो फ़ोन को इतने लो पर नहीं जाने देना चाहिए, 2% के समथिंग से हमने चार्ज किया था इसे, तो आई थिंक 1% के समथिंग था। हमेशा फ़ोन को जो चार्ज करना चाहिए आपको 20% से चार्ज कर लेना चाहिए, और मैक्स जो 95% तक ही चार्ज करना चाहिए। तो इस अपडेट के बाद इतना टाइम यहाँ पर लग रहा है रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G को 100% चार्ज होने में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है ये वाला अपडेट आपने कर लिया था, इस अपडेट के बाद कितने टाइम में आपको फ़ोन जो 100% चार्ज हो जा रहा है, और बैटरी बैकअप कितना मिल रहा है, स्क्रीन टाइम कितना मिल रहा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो दोस्तों, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब।